टू के टीजर को रिलीज हुए फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स यानी कि एक दिन गुजर चुका है तो एक दिन के अंदर कितने व्यूज आए कितने लाइक्स आए कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ नाउ अभी क्या हो रहा है और अपकमिंग अब नेक्स्ट भाई साहब पुष्पा द रूल को लेकर क्या आने वाला है कौन सी अपडेट होगी क्या कॉन्टेंट होगा ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे तो सबसे पहले मैं व्यूज की बात करूंगा तो गाइस जो youtube के ऊपर वीडियो है जी सिर्फ youtube की वीडियो की मैं बात कर रहा हूं बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर टीजर रिलीज हुआ उनके व्यूज नहीं क्योंकि youtube मेन रहता है तो हम यूजुअली इसी की बात करते हैं youtube के ऊपर भाई साहब पुष्पा द रोल के टीजर पर फर्स्ट 24 आवर्स में व्यूज आए हैं 39 मिलियन प्लस 1.2 मिलियन लाइक्स भाई देखो व्यूज में बोलूंगा ज्यादा नहीं है क्योंकि एक सिंगल वीडियो थी यस yes, एक सिंगल वीडियो थी एक सिंगल वीडियो के बाद एट uh, लीस्ट भी 50 मिलियन प्लस व्यूज आने चाहिए थे नहीं आए लेकिन यहां पर एक चीज जो सरप्राइजिंग है वो है भाई लाइक्स 1.2 मिलियन लाइक्स मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं टीजर आने से पहले ऑलमोस्ट नाइनटी लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यह प्रॉपर टीजर होगा भाई साहब रश्मिका होंगे, बाकी कैरेक्टर्स होंगे फहद फाजिल होंगे एक प्रॉपर जो हम टीज़र देखते हैं वो होगा लेकिन आ, दिस इज़ नॉट अ टीजर भाई ये एक अनाउंसमेंट वीडियो या ग्लिम्स था या अल्लू अर्जुन का भाई साहब आप बोलो कि उनको जस्ट मेकर्स ने विश किया है इस सब के बाद भी अगर ये 39 मिलियन व्यूज प्लस 1.2 मिलियन लाइक्स गेन कर रही है तो दिस इज ह्यूज रिकॉर्ड और ह्यूज रिकॉर्ड तो भाई साहब मैं अगर आपको बताऊं आप लोग शॉक हो जाओगे यानी कि ये अभी तक का व्यूज ले मतलब 2024 इस साल में जितनी भी गाइज मूवीज के टीजर या ट्रेलर या जो भी कॉन्टेंट आ चुके हैं इस वीडियो ने उन सारों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और करंट गाइज जो सीनैरियो चल रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग है अगर मैं आपको बताऊं नंबर वन इन तेलुगु स्टेट मतलब मतलब ट्रेंड कर रहा है नंबर वन पे इन तेलुगु स्टेट नंबर वन इन केरला नंबर 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 इन वन इन वन इन तमिलनाडु इंडिया एंड प्लस कंट्रीज केरलाटका से ज्यादा <coughs> सॉरी अठारह से ज्यादा ओवरसीज कंट्रीज में भाई कलकी का टीजर ट्रेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब ह्यूज मैं कहता हूं ना जो रिस्पॉन्स इसको मिलना चाहिए था वो इसको मिला मैं जस्ट आप ये इमेजिन करो ना कि ये तो टीजर था ही नहीं अगर ये प्रॉपर टीजर होता तो उसके बाद क्या होता भाई एक बार सारी की सारी ऑडियंस हिल जाती और पता है क्या मैंने कल एक बात और नोट की ना बहुत से भाइयों को एक कंप्लेन भी थी पुष्पा टू के टीजर से पता है क्या कि यार पहले मेकर्स ने यही पोस्टर दिया अब उसी पोस्टर को समझो कि एक छोटा सा क्लिप वीडियो का डाल दिया हमें तो पता ही नहीं है पुष्पा द रूल में और क्या क्या होने वाला है तो यही मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग अभी तक इस फिल्म की सबसे बेस्ट चीज है चार महीने बचे हैं नहीं तो क्या होता है जब भी भाई साहब किसी फिल्म का सेकेंड पार्ट अनाउंस होता है या फर्स्ट पार्ट अनाउंस होता है तो टाइम टू टाइम मेकर्स उसके पोस्टर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि हाइप बनी रहे पब्लिक याद करती रहे में इसको करूं तो एक हजार करोड़ कहीं भी नहीं गया है तो उसके बाद भी चार महीने रहते हैं चार महीने पहले अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस लोक के और इस छोटे से एक एक्शन सीक्वेंस के अलावा हाँ वो अलग बात है हमारे पास बहुत कुछ है मेरे बस बहुत कुछ है दिखाने को लेकिन अगर मैंने दिखाया तो मेरा चैनल उड़ जाना है दैट्स अ भाई साहब वो चीजें हम सीक्रेटी रखेंगे जब आप देखेंगे तो आपको भाई मैं कहता हूँ मतलब आपको पता लगेगा इस फिल्म का बजट 500 करोड़ आपको लग, हाँ आप कहोगे कि यार वाकई मेकर्स ने इस पे 500 करोड़ रुपए बहाया है अब गाइस यहां पर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है वो है फैंस की तरफ से प्रमोशन कल ही फैंस ने भाई अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ही पुष्पा के पोस्टर निकलवाना स्टार्ट कर दिया मतलब जो फैन मेड पोस्टर होते हैं या पोस्टर जो मेकर्स के तरफ आते हैं और उनको डिफरेंट जगह पर प्लेस करना स्टार्ट कर दिया सेम उसी तरह से जिस तरह के शाहरुख के फैंस करते हैं शाहरुख की फिल्म रिलीज होने से पहले खुद पोस्टर निकालते हैं भाई सब निकालने के बाद गली मोहल्लों में बांटते हैं सेम कल ऐसा ही था तो भाई जिस तरह की मैं बोलता हूँ बॉलीवुड में अल्लू शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग करती है उसी तरह अल्लू अर्जुन की भी फैन फॉलोइंग कर रही है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि ये फिल्म एक बहुत ही बीस लेवल पर जाने वाली है नाव आ जाता है बिगेस्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या तो देखो अभी नेक्स्ट जो मेरे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग दो महीने तक अब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला दो महीने तक हमें पड़ेगा काम बाकी है अपडेट्स के अकॉर्डिंग जून के आखिर तक व, या फिर जुलाई के स्टार्ट जुलाई तो नहीं मैं जून ही बोलूंगा जून के आखिर तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीटली रेपअप होना है अब आप ये मत सोचिएगा कि शूटिंग रैप अप होगी तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जुलाई जैसी स्टार्ट होगा तब तक ये फिल्म रैप अप हो जाएगी और मुझे लगता है कि इसका जो अब हमें नेक्स्ट कोई कॉन्टेंट देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जुलाई मंथ के अंदर हो सकता है मे बी जुलाई के अंदर ये लोग टीजर को रिलीज करें क्या पता टीजर टू हो या उसको कोई और नाम दे दे या फिर अगर वो नहीं

ज़्यादा चीजें रिवेल हो और एक बात आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है जो पार्ट वन होता है ना उसके जो भी कॉन्टेंट आते हैं टीजर ट्रेलर मैं कहता हूं अगर दस टीजर भी आ जाए ना बनाने वाला बंदा सही है तो वो चीज स्पॉइल नहीं होने देता लेकिन जब पार्ट टू होता है ना पार्ट टू का छोटे से छोटा कंटेंट भी काफी कुछ रिवेल कर जाता है अब देखो हमें अल्लू अर्जुन के बारे में पता है फाद फासिल के बारे में पता है रश्मिका के बारे में पता है और जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में पता है तो अब जब भी कोई ज्यादा मेटीरियल आएगा तो रेवेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो दैट साइब मुझे लगता है मेकर उसी चीज को साइड करा रहे हैं कि भाई साहब हम होल्ड पे रखते हैं कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है जब पब्लिक फिल्म देखेगी तो वैसी ही इंगेज हो जाएगी उससे पहले से पहले सिर्फ इनको ट्रेलर देना चाहिए बाकी होप फॉर द बेस्ट जैसी कोई कंफर्मेशन मिलती है किसी फर्दर कॉन्टेंट को लेकर तो जरूर बताऊंगा बट अभी तक के लिए इतना ही आपको वीडियो वीडियो पसंद तो पसंद तो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो को तो अपना ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग